की सबसे बड़ी खबर। अपने क्षेत्र की खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके आसपास की खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप देख रहे हैं जिला सिवान बिहार से खुशी सिंह संदीप यति की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 14/7/2023 को सिवान कचहरी एरिया IACT इंस्टीट्यूट में किए गए एक आयोजन में नाबार्ड द्वारा गोरिया कोठी प्रखंड में एक कृषक उत्पादक संगठन AFPO का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय से डॉक्टर सुनील कुमार मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। सिवान के अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी नाबार्ड द्वारा कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा नाबार्ड सिवान के 5 कृषक उत्पादक संगठन क्रमशः महाराजगंज AFPO मदनपुर, AFPO नागवा, AFPO भगवानपुर हाट, AFPO एवं सिकटिया AFPO के विभिन्न उत्पाद जैसे क्षेत्र की मोटा अनाज, दलहन, मशरूम उत्पाद, अचार, जैम, सरसों तेल एवं और कई उत्पाद जो कि किसानों की अपनी उपज है, उसे उत्कृष्ट ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग के बाद नाबार्ड द्वारा शुभारंभ किया गया। नाबार्ड अपना 42वां स्थापना दिवस सप्ताह मना रहा है। समारोह में मौजूद नाबार्ड सिवान के जिला विकास प्रबंधक द्वारा बताया गया कि नाबार्ड ग्रामीण विकास हेतु समर्पित संस्था है। इसी कड़ी में नाबार्ड द्वारा गोरी कोठी प्रखंड में बकरी पालक, छोटे एवं भूमिहीन किसानों के लिए कृषक उत्पादक संगठन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 500 से 1000 बकरी पालन किसानों को जोड़ा जाएगा एवं उनके आय की वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। उनके द्वारा बताया गया कि नाबार्ड द्वारा पूर्व में गठित कृषक उत्पादक संगठन के द्वारा उत्पादित कृषि उपज के उत्कृष्ट ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग के बाद उन्हें बाजार में लॉन्च किया जा रहा है, जो कि किसानों द्वारा खुद से किया गया है, जिसमें नाबार्ड द्वारा वित्तीय एवं सहायता दी गई है। इसके एकमात्र उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है एवं बिचौलियों से किसानों को बचाना है। देखिए आगे की पूरी खबर खुशी सिंह के साथ। अपना 42वां स्थापना दिवस मना रहा है जो कि 12 जुलाई को था, तो ये स्थापना सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। इसके अंतर्गत बिहार में हमारे मुख्य महाप्रबंधक महोदय द्वारा अन्य विभिन्न जिलाओं में प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है और उसका उद्घाटन आज के दिन किया गया है। इसमें सिवान में भी है, जिसमें हम लोगों ने आज गोरिया कोठी ब्लॉक में बकरी पालन पर एक कृषक उत्पादक समूह का उद्घाटन किया है और उसमें हम लोग आज कर रहे हैं। इसमें आम लोगों को ये सुविधा है कि कृषकों का उत्पादन का एक संगठन बनाया जाएगा और उसमें फिर ऐसे संगठनों को हम लोग जागरूक कर एक रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे और एक उनको एक एग्रीगेशन में लाया जाएगा, जो कि अभी उनके जो जो भी हैं सामान जो औने पौने दामों पे बिकते हैं उसको एक संग्रहित करके उनको एक आय बढ़ाने में मिलेगा, एक एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सर, अगर आम आदमी बकरी पालन करना चाहता है तो उसको नाबार्ड की तरफ से क्या सहायता? देखिए, फिलहाल अभी कृषक उत्पादक समूह में हम जोड़ रहे हैं सभी लोगों को और कृषक उत्पादन समूह में जोड़ने के बाद उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें अन्य जगहों पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और आगे उस पर और कार्य किया जाएगा। ये जो सामान वितरण किया जा रहा है, देखिए वितरण नहीं है, इसके साथ ही हमारे 5 FPO हैं नाबार्ड के जो सिवान में पहले से चल रहे हैं, तो इन सब के द्वारा किसानों द्वारा जो उपज होती है उसको एक प्रोडक्ट के रूप में हम आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग कृषक उत्पादक समूह के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जिसमें भगवानपुर FPO है, नगवा FPO है, महाराजगंज FPO, सिकटिया FPO है और मर्दनपुर FPO, और सभी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिलेट्स का कुछ किसी ने प्रोडक्शन किया है, किसी ने अचार का, किसी ने मशरूम का, तो मशरूम के अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बने हुए हैं, मसालों का उत्पादन कर रहे हैं तो मसालों को आप इसमें देखेंगे कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग बहुत ही उत्कृष्ट की गई है, जिससे हम लोग इसको मार्केट में लॉन्च कर सके। अब बिहार को हमेशा कंज्यूमर स्टेट कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सच्चाई ये है कि प्रोडक्शन है, बट बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाहर से आकर हमारे सामान को ले जाती हैं, पैकेजिंग करके हमें ही बेच के जाती हैं, तो वो एक कंज्यूमर का तबका लग जाता है। ये जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं ये मार्केट के तौर पे कितना बेहतर आएंगे और जो मार्केट की वैल्यू से ये कम लीजेंगे? देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट फार्म से
दुकान की ओर है, इसमें कोई बिचौलियों का कहीं रोल नहीं है। यहाँ कृषक उत्पादक समूह किसानों का ही समूह होता है, उसको कंपनी में हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद फिर उनका प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो मुख्यतः सामान ऑर्गेनिक है, खेत से है और कोई मिलावट है नहीं। तो आज लॉन्च करने का ये प्रोग्राम किया गया है। मैं सुमित कुमार सिंह, DDM नाबार्ड सिवान, और ये प्रोग्राम कचहरी में आई एक्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से उद्घाटन भी कर रहे हैं हम लोग। आज आपने देखी हमारे संवाददाता की सबसे बड़ी खबर। इन खबरों पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।